की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोजरा जेल में विवाद, तीन घायल, मामला पहुंचा कोतवाल। जंगली रीछ ने किया हमला, एक युवक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। नाबालिग के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक, अपर कलेक्टर ने की जन सुनवाई। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले में लगातार वाहन दुर्घटनाएं जारी है। एक और मामला सामने आया सुहाव से, जहां पर एक व्यक्ति अपनी बाइक पर पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में डॉक्टर पटेल के पास उसकी वाहन में एक बाइक ने टक्कर मारी और बाइक चालक जो था उसे स्थानीय लोगों ने भगा दिया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दादा क्या नाम है आपका? अंतु राठौर सर। कहाँ के रहने वाले हो? सुहा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया? पेट्रोल डरवा पे जा रहे थे, गाड़ी मारी और भाग आदमों ने भगा दो, वो तो उठावे और लेकिन हम तुमने भगा दो, भग गया। कहाँ से टक्कर लग गई आपको? मोटरसाइकिल। आप कहाँ से थे? मोटरसाइकिल से पेट्रोल डरवा पे जा रहे थे, उन्होंने सीधी कुटिया पे से आए और सीधी घर ही पास। कहाँ की घटना है दादा? जाए तो सुजनीपुर वाले कहा सुनेंगे दरवाजे पटेल डॉक्टर के जा रहे थे नमो रोड। कहाँ से आ रहे थे आप? हम पेट्रोल डरवाबे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पेट्रोल दमो रोड पर। कहाँ के रहने वाले? सुहाय के। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज दबाव। तेजगढ़ फॉरेस्ट एरिया में लगातार जंगली जानवर देखे जाते हैं। वहीं एक भालू ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है भालू अपने परिवार के साथ था जब उसके द्वारा यह हमला किया गया है। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी वन विभाग को भी दी गई है, ताकि पीड़ित को राशि मिल सके और वह अपना इलाज करा सके। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा हमें विस्तार से जानकारी दी गई। हाथ तो नहीं बढ़ा रहे, रीच बढ़ा रहे हो तो अच्छे ढंग से धो लो। भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह। क्या हो गया इनको? इनको भालू ने काट दिया। ये क्या कर रहे थे? रीच ने जंगल बेल लेने के लिए गए, घर नहीं आ रहा था। घर देखने के गए, वहाँ एक तालाब है छोटा सा जंगल में, तो वहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर बैल नहीं है। बैल देखे आ रहे थे वापस, उसमें बगल में है तो ढूंढो, तो उसमें छुपी रही बच्चा हुआ है घर, तो पीछे से हम गए थे हाई में करो, इसके बारे में पटक थे कोई ये प्लेनिंग है। क्या नाम है उनका? हरली सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? दवा गांव हरदुगा पंचायत। और ये घटना कहाँ की है? घटना जंगल की, दवाई जंगल में। घायल के द्वारा बताया गया कि वह जंगल गया हुआ था, बैल लेने के लिए जंगल गया था, तभी अचानक से भालू ने हमला कर दिया। काफी गंभीर रूप से उसे चोट आई है, घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। वीर बाल दिवस के अवसर पर दमो में एक रैली निकाली गई। उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों के द्वारा यह रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह रैली गुजरी। Thank you.
संजय सरवरिया, लकड़ी सिया न्यूज, दबाव। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई होती है जिसमें अधिकारी मौजूद रहते हैं। जिला पंचायत सीओ अर्पित वर्मा एवं अपर कलेक्टर मीना मशराम के द्वारा जनसुनवाई की गई। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद थे। इस जनसुनवाई में अधिकारियों के द्वारा विभागवार जो शिकायतें हैं उनके निराकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आसानी से उनकी जो समस्या होती है उसे हल कराया जा सके। हालांकि समस्या हल करने में कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन यहाँ पर जो आवेदक होते हैं उन्हें बाकायदा बैठने की व्यवस्था की गई है और अधिक से अधिक आवेदक यहाँ प्रत्येक जनसुनवाई में नज़र आ रहे हैं। किस तरह से जनसुनवाई हो रही है आइए आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज, दबाव। संपूर्ण मध्य प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में। एक और ठंड पड़ रही तो सुबह से घना कोहरा बिछाया रहता है। विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं हटा का नजारा, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। भारी वाहन चालकों ने तो अपने वाहन ही खड़े कर दिए हैं कि कहीं ऐसे में कोई वाहन दुर्घटना न हो जाए। इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। लोग अपने वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं ताकि वाहन दुर्घटना न हो। सुबह से जहां तेज ठंड पड़ रही है तो वहीं कोहरे की चादर भी लोगों को परेशान कर रही है। आज लगभग पौने 11 बजे के बाद सूर्यदेव ने अपने दर्शन दिए, जिसके बाद लोगों को कोहरे से राहत मिल पाई है। हटाशे अरसद बंटी पठान की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली में वन विभाग की सख्ती और सतत निगरानी के बाद भी तस्करों माफियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि रातों रात 20,000 से 30,000 रुपए की लकड़ी को यहां से वहां किया जाता है। सागौन की यह लकड़ी थी लाखों रुपए कीमती की माल वाहक में से निडरता के साथ परिवहन किया जा रहा था। ढाना रेंज के अंतर्गत आने वाले काशी पेपरिया बीट छेवला एवं गौरझावर रेंज से लगे हुए रहली गौरझावर रोड पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई, जिसके बाद डिप्टी रेंजर कुंवर प्रताप सिंह की टीम ने घेराबंदी करके सागौन की इस चोरी को रोका और मालवाहक को सागौन को जब्त कर लिया। साथ साथ अपराधियों को भी पकड़ने में उन्हें सफलता मिली है। इस संबंध में ढाना रेंज के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई थी। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। योजना के अनुसार एवं वरिष्ठ के अधिकारियों के निर्देशन में गौरझावर रहली मार्ग पर सर्चिंग की गई, जिसमें वाहन क्रमांक MP15LA0458 की तलाशी की गई, जिसमें 23 नग सागौन की लट्ठी भरी हुई थी,
जो अवैध थे, इसमें आरोपी दिलीप पटेल और राहुल अहिरवार को पकड़ा गया। पूछताछ दौरान अवैध लकड़ी पाए जाने पर इनके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वाहन को जब्त कर रैली कैंपस लाया गया, जिसमें करीब 30,000 लकड़ी की कीमत थी एवं विवेचना जारी है। आरोपियों को अभी मुचलका पर छोड़ा गया। करीब 9 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गौरझामर और रैली मार्ग पर घेराबंदी की गई स्टाफ के द्वारा। तो उसमें एक पिकअप वाहन चेक किया गया, जिसमें 23 नग सागौन के अवैध रूप भरे हुए थे, जिसके संबंध में कोई कागज नहीं थे, गीली लट्ठे थे, जिसको जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, राहुल अहिरवार और दिलीप पटेल के लिए, जिन्हें जब्ती कार्रवाई सब विधिवत कार्रवाई कर उन्हें मुचलका पर अभी छोड़ दिया गया है और गाड़ी को कैंपस में रखकर वन अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लगभग जो लकड़ी जब्त की गई है सागौन की, वो गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा लगातार ग्रामों का भ्रमण किया जा रहा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार ग्रामीण स्तर पर भ्रमण करके लोगों से संपर्क किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। वही इसी बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मनका ग्राम का भ्रमण किया, जहाँ पर स्कूल में ताला पाए जाने पर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से इस संबंध में उचित कदम उठाने की मांग की गई। समय आज 12 बजे दिन सोमवार, मनका में मिडिल स्कूल बंद, कोई भी टीचर नहीं पाए गए। यहाँ पे देखो तो तारा लगे हुए हुए हैं, यहाँ पे कोई टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं। मनका मिडिल स्कूल के अंतर्गत ग्राम मनका के मिडिल स्कूल में ताला लटका हुआ पाया गया। आज पालक संघ के अध्यक्ष जग्गी यादव जब मनका स्कूल पहुंचे, जब बच्चे घर वापस आने लगे तो स्कूल देखने गए तो स्कूल में कोई भी टीचर आज उपस्थित नहीं था। सब बोर्ड लगाए हुए थे, गायब थे। वहाँ के हेडमास्टर हरिराम ध्रुवे हैं और इसकी जानकारी जब जिला शिक्षा अधिकारी नैमन जी को दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। इस तरह से घोर लापरवाही शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। स्कूल ही नहीं खोले जा रहे, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी। कभी 2 बजे बताया है कि कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, इस तरह से स्कूल खोला जाता है। बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। राजेंद्र ठाकुर, भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि स्कूल में ताला है और इस बात की उनके द्वारा शिकायत भी की गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दबाव। दमोह जिला जेल हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है। कभी जेल के जो कर्मचारी हैं वह आरोप लगा देते हैं, तो कभी बाहर के लोग जेल पर अवैध वसूली के आरोप लगा देते हैं। कुछ समय पूर्व एक शिकायत हुई थी, जिसमें कई तरह के आरोप जिला जेल प्रबंधन पर लगे थे। इन मामलों की जांच चल रही है। वहीं आज एक विवाद हो गया। बताया जाता है कि 2 आरक्षकों के मध्य विवाद हो गया। विवाद जैसे ही बढ़ा, तत्काल ही वहाँ जो फोर्स मौजूद थी उसके द्वारा इस मामले को संभाल लिया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हम आपको बता दें कि यहाँ जो आरक्षक तैनात हैं, राजकुमार साक एवं श्रीमती रजनी प्रजापति, दोनों के मध्य विवाद हुआ। रजनी प्रजापति के जो पति हैं वह यहाँ पर पहुँचे थे, अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए पहुँचे थे, तभी विवाद गरमाने लगा। दोनों के मध्य समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन विवाद बढ़ता चला। जिला जेल में हुए विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों ही
जिला जेल के आरक्षक हैं। एक आरक्षक को तो काफी अधिक चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। हाथ में गंभीर चोट बताई जा रही है। हालांकि जेल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा कि उन्हें नहीं पता कि यह चोट कैसे लगी, क्या विवाद हुआ। उनके द्वारा देखा गया कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, उनके द्वारा तत्काल ही विवाद को शांत कराने का प्रयास किया गया। दमो जिला अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं आरक्षकों से। मैं जिला जेल दमो पदस्थ हूँ। मैं अंदर जेल के अंदर बैठा था, साहब भी थे, पार्टी कर रहे थे साहब, यहाँ चिल्लन को पड़ा, दौड़ के आए बचाने के चक्कर, वो लड़ रहे थे, हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन लड़ रहा था क्या हुआ है। रवीन थे, राम कुमार थे, लोग लड़ रहे थे, पता नहीं किस बात से जो आपसी विवाद हुआ अपन को नहीं पता। कितने लोग आपस में लड़ रहे थे? 3 लोग थे वहाँ पे। अब सब बचाने वाले थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ, स्टाफ भी था। क्या नाम थे आप? प्रीतम लाल। जेल की घटना है, जेल की बाहर किस चीज से आपको चोट आई है, क्या लगा है आपको? अब ये तो बचाने में हम खुद नहीं समझ पाए क्या लगा है। क्या हुआ था वहाँ? मैं प्रहरी राम कुमार सहायक 10 से 2 की ड्यूटी में उपस्थित तैनात था। प्रहरी रजनी प्रजापति और उनके पति दोनों ने आके मेरे राइफल और 10 कारतूस छुड़ा के और मेरे साथ मारपीट की, और मैं ड्यूटी के दौरान तैनात था। मेरे साथ बहुत मारपीट की, मेरी वर्दी फाड़ दी गई है, जिससे मैं अनुशासन से कहना चाहता हूँ कि इनके पति के प्रति कार्रवाई की जाए। अगर कोई समस्या थी तो मेरे को आपस में मिलना चाहिए था। मेरे साथ बहुत मारपीट की, मैं 500 किलोमीटर ग्वालियर से दूर होने के कारण मेरे साथ घटना की, कल मुझे पूरा स्टाफ मारने की धमकी दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ श्रीमान जी। मैं मेरा घर यहाँ पे होने के ना कारण मेरे साथ मारपीट की गई, और उनके पति ने आके मेरे को मेरा हथियार भी छीन लिया, मेरे कारतूस भी छीन लिए, जिससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या? वजह क्या श्रीमान जी, मैंने 5 महीना पहले एक याचिका दायर की थी, जिसमें रजनी प्रजापति के ऑफिस में वेश्यावृत्ति होती थी, और उसमें मैंने इनका नाम लिया था। तो इन्होंने एक मैंने याचिका दायर करने के बाद ये तब से मेरे से गुस्से में थे, और मेरे साथ मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। इन्होंने धोखे में आके मेरे साथ घटना की मारपीट कर दी। तो आप लोग तो एक ही जगह पर रोज मिलना जुलना होता था श्रीमान जी। उस समय रामबाई विधायक का वो चल रहा था और ये उनके शरण में काम करते थे। अभी भी वो ड्यूटी पर थी? नहीं, जे ड्यूटी पे नहीं, जे दोनों घर से आए हुए, मेरे को पता भी नहीं था कि जे मेरे साथ ऐसी घटना कर देंगे। जे चुपचाप आए और बेल्ट उतारा, मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके पति कहाँ पदस्थ थे? जे एसएसबी सशस्त्र सेना में बल में पदस्थ हैं, और वो अपने पति को लेके आई और मेरे साथ मारपीट कर दी। कहाँ की घटना है? जे जिला जेल दमो में मेन गेट की ड्यूटी के दौरान, जिसमें सीसीटीवी कैमरे चेक किया जाए। श्रीमान जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और इनके पति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और ये अनुशासनी कार्रवाई है कि संतरी की हथियार छुड़ाना ये बहुत गलत बात है। आपने बोला सबको पता है, इससे पहले 5 महीने पहले मैंने आवेदन दिया हुआ था, जिससे मेरे को उपस्थित करा दिया गया था, उससे मैं अटैच करा के वापस आया, तो ये इन लोगों की प्लानिंग बन रही थी पूरे स्टाफ की, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी। और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं पूरे स्टाफ में? उसमें प्रीतम एड साहब और ये रजनी और रजनी के पति। बताया और पूर्व में भी मैंने इसकी ये हरकतों की शिकायत कलेक्टर महोदय न्यायालय एसपी ऑफिस में की है। इसने भाई साहब को जो झूठे आरोप लगाए हुए थे उसमें कुछ भी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसकी जांच भी हो चुकी है और चल भी रही है अभी। और इसी बात को लेके मेरे पति ने बोला कि क्यों भाई, मेरी ये भी डिफेंस में है, क्यों धमकी दे रहे हो, ऐसा क्यों बोलते हो रजनी से, क्या दिक्कत है? तो दोनों की आपस में भैंसा भैंसी होने लगी, और उसने यहाँ से ये अपनी गोलियां निकाली और मेरे पति पे मारने, जब गोली निकाली और मारने के लिए प्रयास किया, जब भी फिर बीच बचाव किया तो इसने मुझे भी गंदी गंदी लड़कों वाली गालियां दी और मुझ पे भी हाथ उठाई है, मेरा हाथ सूजा, मेरी चुन्नी फट गई है और मुझे थपाड़े भी बहुत मारे इसने।
और कई बार ये बात मैंने बताई, आते जाते मैं ऑफिस में काम करती हूँ, आते जाते मुझे डर लगता था कि इसकी संतरी ड्यूटी है, कहीं मेरा पीछा ना कर ले, कुछ ना हो जाए। एक महिला ये बातें किससे शेयर करेगी बताइए, कोई कहीं से मदद नहीं कर रहा, किससे बोलेगी जाके ये बातें, क्योंकि एक महिला का कैरेक्टर भी होता है। कई बार तो महिलाएं डर के मारे छुपा लेती हैं, पर कब तक हम छुपाएंगे ये बातें। ये मुझे हटवाने वाला है, मेरी जान को खतरा है, कुछ भी कल को मेरे को क्वार्टर में हो गया, मैं अकेली रहती हूँ, ये बाहर जॉब करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप, कि कौन सा गवर्नमेंट है, जेल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कौन है? आते जाते धमकी देना, जान से ये मुझे मारेगा, इसने बोला है मुझसे पहले। दोनों ही पक्ष कोतवाली पहुंचे थे, जहां पर दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों से आवेदन लिए गए हैं। मामले में जांच शुरू हो चुकी है। क्या कहना है नगर कोतवाली TI विजय राजपूत का, आइए आपको सुनाते हैं। अभी जिला जेल दमोह से राजकुमार साक्ष और एक महिला आरक्षक रजनी प्रजापति दोनों थाना कोतवाली में आए हैं। दोनों का कहना है कि एक दूसरे में मारपीट हुई है। महिला रजनी प्रजापति है जो महिला आरक्षक, वो उसका कहना है कि रामकुमार शाक्य ने मारा है, और रामकुमार शाक्य का कहना है कि महिला आरक्षक ने अपने पति के साथ उसको मारा है। दोनों थाने में बैठे हुए, जैसा कि वो जैसी भी दोनों लोग रिपोर्ट लिखाएंगे, और CCTV वहाँ पर जेल में लगे हुए हैं, हम उसकी जाँच करवा रहे हैं, जो भी विधि सम्मत होगा वैसी कार्रवाई। सर ये विवाद कहाँ हुआ? ये दोनों बता रहे हैं कि जेल में रामकुमार शाक्य जो संधि बारे में था वहीं पर। जेल आरक्षक ड्यूटी पर तैनात था, वही महिला आरक्षक अपनी वापसी कराने के लिए पहुंची थी। जेल आरक्षक के पास राइफल हुआ करती है, ऐसे में विवाद बढ़ता और कोई बड़ी घटना हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? देखने लायक होगा आगे मामले में क्या कार्यवाही होती है। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित है श्री भूदभो मंदिर, जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह सम्पन्न हुआ। श्री सीताराम विवाह सम्पन्न होने के बाद आज सुहागलों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद थी, जो श्री सीताराम विवाह उत्सव होने के बाद आयोजित सुहागलों में शामिल हुई। आज मंदिर में ये क्या चल रहा कार्यक्रम? भगवान का सीताराम विवाह हुआ था, और कल वो रसमान नहीं हुई थी, कड़ी चावल बने थे, तो शाम को 8 के बाद कड़ी चावल का भोग प्रसाद दिया गया था, और आज सुहागले है, 1,500 भाई घरों की आज सुहागले चल रही जी, भोजन करवाए जा रहे हैं, जिसमें पूरी सब्जी कड़ी चावल रसगुल्ला सब कुछ बना हुआ। संजय सरवरे, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला जेल में विवाद, 3 घायल, मामला पहुंचा कोतवाल। जंगली रीछ ने किया हमला, एक युवक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। नाबालिग के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदक, अपर कलेक्टर ने की जन सुनवाई। की कुछ खास खबर अगला न्यूज बुलेटिन लेकर आप पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका?
जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आप की चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप, मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनु राशि। धनु राशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।